बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ओपी चौटाला की सजा पर कोर्ट में बहस लगातार जारी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ये बहस चल रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर सजा का ऐलान आज संभव है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट में ओपी चौटाला के वकील ने दलील दी है, बिना किसी की सहायता के चल भी नहीं सकते। ओपी चौटाला ने भी कोर्ट में दलील दी है कि मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन है। तो देखिए किस तरह की दलीलें कोर्ट में दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कपड़े भी खुद नहीं पहन सकता हूँ। ओपी चौटाला की दलील, 90% तक दिव्यांग हो चुका हूँ। तो भाई इस पर कोर्ट ने 90% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, ओपी चौटाला से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सजा पर कोर्ट में बहस जारी है। आय से अधिक संपत्ति में दोषी पाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ इस समय कोर्ट में चल रहा है? तरह तरह की दलीलें ओपी चौटाला और उनके वकील से दी जा रही है। पूरे केस में सीबीआई की तरफ से करीब 106 गवाह पेश किए जा चुके हैं और अब आज सजा का ऐलान संभव है। इससे पहले दोषी इनको करार कर दिया गया था आय से अधिक संपत्ति का, और आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम पहुंचे, व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे, और अभी उनके तरफ से जो वकील हैं हर्ष कुमार, वो दलीलें पेश कर रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं कि किस तरह से इनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है कि ये दिव्यांग हैं। और अभी जो कोर्ट ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट मांगा, तो जो सर्टिफिकेट पेश किया गया उसमें 60% दिव्यांगता है। हालांकि इन्होंने हवाला दिया इनके वकील ने कि इनकी उम्र 87 साल हो चुकी है और अब 90% के आसपास दिव्यांग हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अब अकेले ये कुछ कपड़े तक नहीं पहन सकते, इस तरह की तमाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है। और साथ ही उस सजा को भी कंसिडर करने की बात की जा रही है जो जेबीटी घोटाले में 10 साल तक इन्होंने सजा काटी है। साथ ही सजा के दौरान जो इनका आचरण रहा है उसका भी सर्टिफिकेट पेश किया गया इस अदालत में, राउस एवेन्यू कोर्ट में, जज के सामने कि किस तरह से इनका आचरण रहा है। और निश्चित तौर पे आज जो सजा का ऐलान होना है उनमें इन सभी बातों को कंसीडर करने की दलीलें पेश की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ जो सीबीआई के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब गिल्टी साबित होने के बाद निश्चित तौर पर अगर कहीं सजा में कंसीडर किया जाता है तो यह एक अलग मैसेज जाएगा। और इस तरह के तमाम वे लोग हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मसला चल रहा है, उन पर इस सजा, अगर इस सजा में कंसीडर कोर्ट करता है तो निश्चित तौर पे उनके लिए भी काफी एक माइलस्टोन साबित होगा और वे लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कोर्ट को इसमें कोई, जो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कोर्ट इसमें कोई कंसीडर ना करे, निश्चित तौर पे जो गुनाह हुआ है, जो दोष है, उसको देखते हुए जो सजा का प्रावधान है वो सजा इनको मिलनी चाहिए। जी सुशील, जिस तरह से कोर्ट में दलीलें दी जा रही है तो क्या मेडिकल रीजंस को देखते हुए या फिर ओपी चौटाला की उम्र को देखते हुए सजा में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है? निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट में अमूमन जब इस तरह के मामले चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट के पास पावर है कि वो कंसीडर कर सकता है। और हेल्थ इशू को लेकर अमूमन हमने लगातार कई बार देखे हैं कि इस तरह के हेल्थ इशू जब सामने आते हैं तो उसमें कंसीडर, सजा में कंसीडर किया जाता है। और आज जो दलीलें दी जा रही है उसमें नुपुर कहीं ना कहीं, चाहे वो चेस्ट में इन्फेक्शन की बात हो या फिर उम्र का, उम्र को लेकर कहा जा रहा हो या फिर दिव्यांगता के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हो, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं यह आधार जरूर बनता है। और माना जा रहा है कि जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, सजा का सजा मुकर्रर की जाएगी, तो निश्चित तौर पे उसमें इस सबको कंसीडर कोर्ट कर सकता है। हालांकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, देखना है कि कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ सजा का प्रावधान करता है। जी सुशील, अब से थोड़ी देर बाद फैसला तो आ जाएगा, लेकिन अगर इनेलो पार्टी की एक बात की जाए तो उनका प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए है। इसके अलावा अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव, फिर 2 साल बाद वैसे चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है कि इनेलो एक और झटका सहन कर पाएगी?
निश्चित तौर पर नुपुर, देखिए एक बड़ा झटका साबित होगा। और अमूमन जब मैं 2013 से 2022 तक का अगर जिक्र करूं आपसे कि 2014 में किस तरह से 32 एमएलए हुआ करते थे इंडियन नेशनल लोकदल के, और 2019 आते आते पार्टी में जब विघटन हुआ, दो फार हो गई और जेजेपी पार्टी से बन गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 1 एमएलए रह गए थे। तो ये जो विघटन हुआ और जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है, और संगठन भी कई जिले ऐसे हैं जिसमें संगठन इनेलो का नहीं है, और उसका ताजा उदाहरण बड़ौदा उपचुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से ओपी चौटाला बाहर थे, उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया अपनी पार्टी का, अपने नेताओं का, अपने जो प्रत्याशी थे उनका, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा कुछ इनेलो नहीं कर पाई, ना ही अपने वोट परसेंटेज बढ़ा पाई थी। अब स्थानीय निकाय का चुनाव है, हालांकि जब पूर्ण रूप से छूट कर आ गए तो आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दौरा कर रहे थे, सभी जिलों का दौरा कर रहे थे, और एक बार इनेलो को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी, और माना जा रहा था कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ असर जरूर दिखाएगी और संगठन तो जरूर इनेलो का बन जाएगा। लेकिन आज जो सजा आएगा उसमें माना जा रहा है कि इस सजा के बाद निश्चित तौर पर इनेलो के जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं विघटन जरूर होगा। चूंकि देखिए उपचुनाव भी हमने देखा था अभय चौटाला का, उसमें भी देखा था किस तरह से संगठनात्मक रूप से पुरजोर कोशिश की गई थी, और अब आज भी हालांकि देखिए इनेलो के तरफ से नुपुर यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि आज भी जेल जाने से पहले खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी, बैठक की थी, और अभी भी जो सूचना है उसके मुताबिक इनेलो की बैठक चल रही है, उसमें उनके कार्यकर्ताओं को उनके संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।